शर्मा कुछ अरसे से बड़े रन बड़ा सौ नहीं आ रहा था, परेशानी थी कि क्या रोहित शर्मा की क्रिकेट को फुल स्टॉप लग गया। एक लॉबी है क्रिकेट की, मैं सिर्फ क्रिकेट की बात कर रहा हूं, हमारे लिए हर आदमी काबिल एहतराम होता है आपको पता है। क्रिकेट की बात यह है कि एक लॉबी है क्रिकेट की, एमआई लॉबी, वो रोहित शर्मा के नाम की 10 साल खाती रही कि रोहित शर्मा ने बतौर कप्तान तुम्हें जिताया, निकलो साले तुमने कल के बच्चे पांड्या को उसमें चढ़ाया। आज चार आउट होने के बाद रोहित शर्मा वो इनिंग खेल गया कि रोहित शर्मा ने भी कभी ऐसी इनिंग तारीखी खेली नहीं T20 में। असल में तो इम्तिहान उसका लिया जाता है जिसकी नॉर्मल टांगे यानी कि कमजोर टांगे होती है, सही है। रिंकू को चलो मैं उसमें शुमार कर लेता हूँ, अच्छा तो कोई भी नहीं है। आज चार थे 22 पे और तेरी जिम्मेदारी थी कि आज तू कप्तान के साथ खड़ा होगा। रोहित को सिर्फ एक खिलाड़ी चाहिए होता है, बल्ला उसके हाथ में होता है, मारता अपनी मर्जी से। और आपने देखा होगा जिस अंदाज से 14 महीने बाद एक खिलाड़ी अपनी वापसी कर रहा है टीम के अंदर एज कैप्टन, और इस दरमियान उसके साथ जो मसाइल जिसकी तरफ वाजिया भी आएगा, अबे वो बॉल को नहीं मार रहा था, वो अंबानी को ठोक रहा था। जिस तरह से गुस्से में मारा है ना रोहित शर्मा ने, उसकी शक्ल एकदम एक्सप्रेशन लेस और छक्के इतने ताकतवर के बाउंड्री के छतों में फेंक दिए उसने बॉल उठा उठा के। भारतीय फैंस को एक बात कनेक्ट करके याद दिला दूं, देखें हमारी टीम में पाकिस्तान की बहुत मसले, लेकिन हम अक्सर आपको कहते हैं कि आपके पास विराट कोहली रोहित शर्मा है, वो जेन्युइन मैच विनर है। इस पर मतलब उनके मैच विनर होने पे दुनिया का कोई आदमी सवाल नहीं उठा सकता, इतने मैच है उनके क्रेडिट पे कोई भाई का लाल। लेकिन हमारे यहाँ मसला यह है कि हम तो खुद एक हफ्ते से अपने क्रिकेटिंग सिस्टम से लड़ना शुरू हो गए कि हम तनकीद करते पर ये सब मिलके बाबर के नाम पर बचने के चक्कर में, तो हम ये जब ये नहीं चाहते कि बाबर जैसे प्लेयर को जिसके पास फिनिशिंग टचेस नहीं है उसको बाहर कर दो, तो रोहित शर्मा को बाहर करने के कौन से मीडिया हाउसेस में प्लान बन रहे थे, जरा नाम तो बताओ। अबे जो नौ महीने में तो बच्चा बाहर आ जाता है, जो आदमी 9 महीने जो है अनफिट रहता है, तो हम उस कल के लौंडे को रोहित शर्मा पे चढ़ा के वेस्ट इंडीज T20 वर्ल्ड कप खिला रहे हो, जो अभी वेस्ट इंडीज में हार के नाक कटवा के आया है, 10 मैच लगातार वर्ल्ड कप में जिताए यार उसने, उसका इनाम दे रही है ये शादी सी लॉबी बगैर फोन किए मैं बाहर कर रहा हूं। जब वो पहुंचे बताने के लिए कि यार वो डिसाइड करने के लिए जा रहा है कि कौन से फॉर्मेट में सूटेबल है, कौन से फॉर्मेट में एक्सेसिबल है, कहां पर वो क्रिकेट बेहतर खेल सकता है, ऐसे वक्त में तुमने ढक करके साले घटिया रशियन आदमी को खड़ा करके उसके सामने ये बेचने की कोशिश करी। भाई इसमें चार थे 212 में चार थे मुंबई इंडियन और उसकी लॉबी जो है ना आज बता रही है, आज ये जो छक्के मारे जो छत वाला छक्का है ना जो छत पे लगा है, मारा है अंबानी को ठोका है सही पकड़ के, आज रोहित शर्मा ने अपने सिग्नेचर को हिटमैन शर्मा भाई यहां पर 265 रन उसने एक इनिंग में बनाए हुए 10 लगातार मुकाबले जिताकर वो भारत को फाइनल में लेके गया। मैं खुल के बोलूं कि पिच तुम लोगों की बेकार के डरने हराया है तुम्हें, तुमने खराब पिच बनाई, अगर तुम सीधी विकेट बनाते मार मार के दुम्बा बना देता ये फाइनल में। जिस दिन रोहित शर्मा रिटायरमेंट लेगा उस दिन पहले अल्फाज वर्ल्ड कप के यही होंगे जो वासे कह रहा है कि हमें उस तरह की कंडीशन नहीं मिली, हमें उस तरह से डेढ़ दिन में अभी केप टाउन में उसने तारीख है कैप्टन रकम करवाई। और तुम लोग यार साजिश यार, मैं उन लोगों पे हमेशा सबसे ज्यादा गुस्सा करता हूँ जो अबे क्रिकेट ही से धंधा है। अभी क्या करो, रशियन ने उसको रिटायर्ड किया हुआ है, समझ लो कि वो फारिग हो चुका है। देखो यार ऐसा खिलाड़ी बेकार है जो अपनी मर्जी से अपनी, और ये बता दूं रोहित शर्मा अगर बतौर कप्तान वर्ल्ड T20 में जाते हैं जो कि अब जाना चाहिए, किसी के बाप को नहीं रोकना नहीं रोक सकता है। लेकिन अबे लांतियों जो हीरे नायाब दो तुम्हें मिले हुए तुम्हें पता ही नहीं है, अबे रिंकू सिंह जैसा तो माजरा ताज में नहीं रोकूंगा, सीरिया सैयद भी नहीं है। अब रोहित शर्मा रिंकू को लेके जाएगा जिस तरह 50 पे रोहित ने उसे गले लगाया मात की है सेंसिबल। असल में क्रिकेट पूरी है जब भी तो वो सराहना कर गया, जब हिल रहे हिला रहे चार आउट कर दिया उन्होंने 22 रन पर। अकल की बात है आज जो मुकाबला था वो रिंकू का मुकाबला था, रोहित के मुकाबले पे तो एक फ्रेंचाइज खड़ी हुई। रोहित को शर्मा रोहित को उसके घर के लोगों ने जिसको रोहित ने एतमाद दिया 5 टाइटल दिए वो बगैर रोहित के सोचो विचार के। तो भाईजान आज तबाही मचा दी है मिल मिला के रिंकू ने और रोहित शर्मा ने। रोहित शर्मा ने अपने करियर की 5वीं T20 इंटरनेशनल सेंचुरी मोस्ट बाय एनी बैट्समैन वो बनाई है, और जिस तरह की हिटिंग हुई है वो आपके सामने है और था। बट हिटमैन हिज नेम इज हिटमैन द शर्मा, सबसे ज्यादा छक्के अक्रॉस द फॉर्मेट में भी और T20 में भी। तो आज फिर उसने बताया छक्के भी और एंड पे जो एक्सेलरेशन हुई है वो लाजवाब हुई है, कहां 20-22 में चार आउट और कहां 212 पे भी चार ही आउट, इतनी लाजवाब किस्म की हिटिंग बहुत कम देखने को मिलती है। तो बेटा मुंबई वालों अंबानी 1000 हार्दिक पांड्या 1000 हार्दिक पांड्या 1000 करोड़ रुपया निकालो, 90 100 बॉलों में 190 की पार्टनरशिप, 4.3 ओवर 22 पे 4 आउट, अंडा सैमसन अंडा विराट कोहली और जनाब एक पे दुबे, ओह माय गॉड आपसे बार बार रोहित की भाव का
आज देखे 14 महीने तो हो गया ना जी, तो आज रोहित ने सबको चिन्ना स्वामी में दफन कर दिया। आज तमाम क्रिकेट इलिटरेट्स, क्रिकेट के चुन्ने, क्रिकेट के मुन्ने सबको दबा के दफन कर दिया। आज चिन्ना स्वामी जो है वो रोहित शर्मा, रोहित शर्मा, रोहित शर्मा होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह रोहित शर्मा, रोहित शर्मा, रोहित शर्मा हुआ है। कहां रिंकू सिंह स्कोर करेगा? 100 वाला में 190 रन। जब पूरी टीम भारत की 22 पे 4 आउट हो गए थे तो जनाब इन दोनों की 190 रन। काम जोकर जो कहते थे कि जनाब रोहित शर्मा फर्क है, मोटा हो गया है, वड़ा पाव है, इसने आज छत में छक्के मारे हैं। छत में 36 रन का, 36 रन का ओवर आया आखिरी ओवर जो कराया जन्नत ने। ये है रोहित हिटमैन शर्मा। अबे ओए जो कह रहे थे रोहित शर्मा खत्म हो गया, जाए नाली में चिल्लू भर पानी ले और उसमें अपना मुंह डुबाए और जाके कुछ शर्म करे। कोई बाबर, कोई आजम, कोई रिजवान, कोई माइकल लाल इस सिचुएशन से अगर ले जाए 212 में मैं उसके जूते में पानी पीऊंगा। अबे क्रिकेटिंग इलिटरेट्स बैठ के साले बकवास करते रहते हैं, डिवाइड एंड रूल करते थे। ये है रोहित हिटमैन शर्मा। मोमेंट इज नाउ यू अंडरस्टैंड। आकाश अंबानी साहब समझ आई कि कौन है रोहित हिटमैन शर्मा? पता लगा 500 किसको कहते हैं? पता लगा व्हेन चिप्स आर डाउन, व्हेन अहमद वाज ऑन फायर, व्हेन अहमद वाज ऑन फायर। तो हिटमैन शर्मा शोस के फायर नहीं, वो ज्वालामुखी नहीं, वोल्केनो नहीं, वो एक कहर है। और आज ऐसा टूटा कि चिन्ना स्वामी में आज सिर्फ एक नाम गूंज रहा है और जिसका नाम है हिट मैन, हिट मैन। डोंट बी प्रैक्टिकल। ये रोहित शर्मा है, ये कोई गली मल्ले का ये चूजा नहीं। छक्का देखा, पुल देखा, स्विच हिट में छक्का देखा। ये है क्रिकेट, ये है क्रिकेट बेटा। इतना बड़ा मूंछ कैमरे में डालते हो, गटरो नजर आया अबू जान तुम्हारे। ये है रोहित हिटमैन शर्मा, बैक इन द फॉर्म, फिल द फुल बैंक। चिन्ना स्वामी हो, मुंबई हो, वो